आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें साझा की गईं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने घर पर किया योग। कहा, थेरेपी के रूप में योग पूरे विश्व में पहले से ज्यादा प्रचलित हुआ। योग को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग की उपराष्ट्रपति ने दी सलाह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास पर किया योग। ओम बिरला अनुलोम विलोम और प्राणायाम के साथ शीर्षासन करते दिखे। ओम बिरला अनुलोम विलोम और प्राणायाम के साथ शीर्षासन करते दिखे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, योग तन और मन, कार्य और विचार, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। योग को शाह ने भारतीय संस्कृति का अनमोल उपहार बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में अपने निवास पर किया योग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोगों ने बनाई सामाजिक दूरी। उन्होंने कहा कि योग तन के साथ ही मन को भी स्वस्थ रखता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, पीएम मोदी के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है योग दिवस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने घर पर ही किया योग। प्रधान ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवार वालों के साथ किया योग। प्रधान ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवार वालों के लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी योग किया। स्वस्थ रहने के लिए दोनों ने जीवन में योग को बताया जरूरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ घर पर किया योग। स्वस्थ रहने के लिए लोगों से योग करने की अपील की। योग के जरिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भाईचारे का दिया संदेश। नकवी ने सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर किया योग। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवास पर योग किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रताड़ना से उनकी एक आंख से दिखना बंद हो गया था, साथ ही मानसिक असर भी पड़ा। ऐसे में उन्हें योग का सहारा मिला जिससे वो दोबारा खड़ी हो पाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किया योग। कोरोना की वजह से केजरीवाल ने अपने घर पर ही किया योग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोधी गार्डन में किया योग। 20 लोग रहे मौजूद। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में योग किया। प्रहलाद पटेल ने सभी से अपने घरों में रहते हुए योग करने की अपील भी की।
राजस्थान के जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया योग। सामाजिक दूरी बनाकर किया गया योग। स्वस्थ रहने के लिए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किया योगा। कहा, योग से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंजाबी और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनिया मान ने चंडीगढ़ में घर पर किया योग। सोनिया मान ने कहा कि योग शरीर को फुर्तीला बनाता है और मानसिक शांति देता है। गायिका मन्नत नूर ने डायरेक्टर प्रमोद शर्मा के साथ घर पर किया योग। मन्नत नूर तू लौंग ते मैं लाची गाने से मशहूर हुई थी। मन्नत के मुताबिक कोरोना संकट के दौर में योग के जरिए तनाव दूर करने में मदद मिल रही है। अभिनेत्री अदा शर्मा ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। अदा शर्मा ने मुंबई में योग के आसन किए। अदा शर्मा ने कहा कि वो शुरू से ही योग करती आई हैं। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने में मदद मिलती है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। अपने घर पर योग करते हुए उन्होंने कई आसन किए। उर्वशी ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में तन के साथ ही मन से भी फिट रहना बहुत जरूरी है। योग करने से ये दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। 91 साल के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ किया योग। मिल्खा सिंह की पत्नी ने बताया, योग से दूर हुई कई बीमारी। माइनस तापमान के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। सुरक्षा की जिम्मेदारियों के साथ लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जवानों ने किया योग। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी योग कर मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। फिट रहने के लिए जवानों ने योग को बताया जरूरी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में योग कर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों ने घोड़े पर खड़े होकर किया योग। जवानों के साथ ट्रेंड घोड़े और कुत्तों ने भी किया योग। उत्तराखंड के वसुधारा फॉल्स के नीचे 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। जमा देने वाली ठंड में चीन सीमा पर तैनात हैं सभी जवान। श्रीनगर में सेना के जवानों ने किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों जवानों ने किया योग। गुजरात के वडोदरा में 15 देशों के 1500 लोगों ने एक साथ योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कोरोना संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर से ही योग कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने किया सम्मानित। योग के अनोखे करतब से दुनिया हैरान। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने भी की तारीफ। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर रेत पर बनाई योग की कलाकृति। कोरोना काल में योग के महत्व को दर्शाया। वाराणसी में गंगा किनारे जल योग किया गया। योग करने वालों की माने तो गंगा जल में औषधीय गुण होते हैं। इनका कहना है कि गंगा में जल योग करने से शरीर में रोगों के लड़ने की ताकत बढ़ती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने समंदर में किया जल योग। योग साधना से समंदर में पानी के ऊपर सोए दिखे लोग। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी किया योग। सहवाग ने कहा, थोड़ा वक्त भले लगेगा लेकिन योगा से ही होगा। स्वस्थ रहने के लिए अब अधिकतर लोग कर रहे हैं योग। राजस्थान के चूरू में 74 साल के बुजुर्ग ने कठिन से कठिन योगा कर नौजवानों को चौंकाया। 2001 में 2 बार हार्ट अटैक के बाद से ही शिव भगवान योग कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव के योग शिविर में बच्चों ने किए अलग अलग तरह के योगा। बच्चों ने लोगों को दिया योग के जरिए स्वस्थ और फिट रहने का संदेश। बिहार के जमुई में भी लोगों ने भारी उत्साह के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वायरलेस मैदान में योग करने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। योग को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाने का सभी लोगों ने लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेह लद्दाख में भी योग को लेकर उत्साह। इस बार योग दिवस की मेजबानी लेह को करनी थी और पीएम मोदी का दौरा भी लेह में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। लद्दाख के जाने माने योग गुरु फुनसुक लद्दाखी ने किया योग। एम्स की स्टडी में योग पर बड़ा खुलासा। न्यूरोलॉजी विभाग ने माइग्रेन के मरीजों के लिए भी योग को बताया फायदेमंद। योग करने वाले माइग्रेन के मरीज तेजी से हुए ठीक। योग गुरु बाबा रामदेव के योगा कैंप में मुस्लिम समाज के लोग भी योग करते हुए नजर आए। कोरोना काल में आम लोगों के लिए योग बना जीवनदायक।